हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? घबराने की बात यह है कि वो अति क्रोध में है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। उनकी फुंकार से जैसे आग निकल रही है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। नगरवासी डर के मारे अपने अपने किवाड़ बंद करके घरों में घुस गए हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। जो आशंका थी वो संकट सामने आ ही गया। अब क्या होगा हनुमंत? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में है? कुछ उपाय करो हनुमंत, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही इस ज्वालामुखी की लपेट में ना जाएं। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। वो उपाय तो बताओ। लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुंचने से पहले पिछले द्वार से जाकर मैं सबको सावधान करता हूं। विस्फोट हो उससे पहले महारानी तारा को लक्ष्मण जी के सम्मुख समझाने बुझाने शांत करने के लिए भेज देता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी नारी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस इसी शिष्टाचार में कोप अग्नि का प्रज्वलित ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अति सुंदर हनुमंत, सचमुच तुम बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब देर न करो, जाओ। अंगद, तुम जाकर राजकुमार लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए शिष्टाचार की बातों में रोको। उनसे कहो श्री राम का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा का पालन होगा आर्य श्रेष्ठ। सुभाउ सुकेतु, आर्य श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को अतिथि कक्ष में ले जाकर आदर सत्कार के साथ अवभागत करो। कुमार अंगद, समय नष्ट न करो। हम यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आए हैं। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। उनसे हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। इस समय आपको ही संभालना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण के कोप को शांत करना शेषनाग को वश में करने वाली बात है। इस समय किष्किंधा के कल्याण का सबसे अधिक आप पर उत्तरदायित्व तो है, क्योंकि सारा वानर साम्राज्य महाराज सुग्रीव से अधिक आप ही के विवेक पर विश्वास करता है। महारानी तारा, इस समय महाराज की रक्षा कीजिए। महाराज की जय हो। क्या बात है? राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। सुना है वो बहुत क्रोधित है। सब सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं।
वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? बड़े क्रोध में हैं? मैं उनका सामना कैसे करूंगा रूमा? अब क्या होगा? सुस्वागतम वीरवर, रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत-शत नमन। आप बड़ी सम्मानी आदर्श रमणी, नमन तो मुझे करना चाहिए, मेरा नमस्कार। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार पधारिए। आइए पधारिए, आपके आगमन से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं सारी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। हम अपने पूज्यवर भैया श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आए हैं। हम महाराज सुग्रीव से इसी समय मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पद की थकान उतारिए, शांत चित्त हो जाइए। हनुमान सुग्रीव सभी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कजरी जी, महारानी जी, चरणों में अर्घ्य देने के लिए जल लाओ। नहीं महादेवी, इस साडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस विनम्र चतुराई से आप हमें बहलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, परंतु हम महाराज सुग्रीव से मिलने में एक पल की भी देरी करेंगे तो अपने पूज्यपाद भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराधी होंगे। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं, परंतु आपके इस क्रोध का कारण क्या है? किसमें इतना साहस है जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करें? देवी तारा, आप पूज्य हैं, आप स्त्री हैं, अपना मंतव्य हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। क्या महाराज सुग्रीव हमसे मिलना नहीं चाहते? क्या वो हमारे सामने नहीं आना चाहते? ये बात नहीं वीरवर। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित भी हैं, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। इस समय वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पधारिए, आइए। सूर्य पुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पढ़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आपने अर्क ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करने आए हैं, ना यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतघ्न मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृते तथा निष्कृति वहिता सद्भी कृतघ्ने नाश्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्राश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्राश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपकी सारी मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? ना भूलिए वानर राज, कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण, एक मित्र और एक राजा के लिए ऐसा अनुचित कठोर वचन उचित नहीं, विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है तात, इसमें संदेह नहीं। परंतु
वानर राज सुग्रीव न कृतघ्न है न शठ है और न ही मिथ्यावादी हैं। इन्होंने श्री राम प्रभु के द्वारा किए गए उपकार को भुलाया भी नहीं और न मित्रता के वचन को भंग किया है। महाबाहो, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे, इसीलिए राज्य वैभव के विलास में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है, यथार्थवाद को जानकर ही क्रोध करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सतर्क सचेष्ट हैं। उसके लिए धन धान्य किष्किंधा का राज्य अपना सारा परिवार छोड़ने के लिए वो एक पल के लिए भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने अपने वीर वानरों को चारों ओर से एकत्रित करने तथा संगठित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अनुचित वचन कह गया हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें वानर राज। वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है, आपको सब कुछ कहने का अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया की भांति श्री राम प्रभु भी ऐसा ही समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज आपको श्री राम के पास जाकर स्वयं आश्वासन देना होगा। महाराज हनुमान जी का ये कथन समयोचित है, आप इसी समय श्री राम जी के पास चले जाइए। हम अवश्य ही श्री राम की सेवा में जाएंगे। प्रभो प्रभो प्रभो। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं बाहों में होता है। मैं तो अपराधी हूं आपका कृपा सिंधु, मैं कुटिल खलुक कामी माया मोह में ठगा गया, मित्रता का धर्म भी भुला बैठा। आखिर पशुवृत्ति वाला चंचल चित्त वानर ही हूं ना मैं, परंतु विश्वास कीजिए सत्ता के मद वासना मोह के भंवर जाल में लिप्त होकर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला था। मेरे ऊपर संदेह ना करें मित्र वत्सल। प्रभु प्रभु हनुमंत मेरे साक्षी हैं। मित्रता में संदेह नहीं किया जाता, केवल अभिन्न भाव रखकर विश्वास किया जाता है। धर्म और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहने वाले के पग भी कभी भटक जाते हैं, परंतु आत्मचेतना सुप्त नहीं होती। वृक्ष की शाख पर ऊंघते हुए मनुष्य के समान हल्का सा झोंका भी उसे सचेत जागृत सावधान कर सकता है। मां बाहु, मेरी समश्री आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। निराशा के घोर अंधकार में खोए हुए सुग्रीव के अस्तित्व को नई आभा प्रदान करने वाले करुणा निधान तो आप ही हैं। सुग्रीव आपका गढ़ा खिलौना है प्रभु। प्रभु प्रमादवश विलंब अवश्य हो गया, परंतु ये सत्य नहीं कि महाराज को अपना वचन याद नहीं रहा। किष्किंधापति ने चारों ओर अपने दूत भेजकर वानर युद्धपतियों को बुला भेजा है। चारों दिशाओं से अपार वानर सेनाएं शीघ्र ही यहां पहुंचने वाली हैं। किष्किंधा नरेश की जय, महाराजा सुग्रीव की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, किष्किंधा नरेश की जय, श्री राम सुग्रीव मित्रता अमर रहे। चिरंजीवी हो कुमार अंगद। महाराज आपके आज्ञानुसार किष्किंधा के चतुर प्रवीण शीघ्रगामी चपल वानर दूत चारों दिशाओं में बिखरी वानर शक्ति को एकत्रित करके लाए हैं।
तल बल के साथ वानर सरदार शतवली, लंगूर जाति के नायक गवाक्ष, ऋक सेना के साथ ऋषि श्रेष्ठ गजवंत, परम पराक्रमी युद्धपति गंधमादन सब आ गए हैं। बजरंग बली के पूज्य पिता श्रीमान केसरी जी भी पधारे हैं। क्या पिताश्री भी आए हैं? हनुमंत, अपने पिताश्री का स्वागत करो, अभिवंदन करो उन्हें जाकर। जाओ। सादर नमस्कार प्रभु। नमस्कार। क्षमा करें अवधेश, किष्किंधा नरेश, हमसे राजसी औपचारिकता तथा शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ। आपके दर्शन की अभिलाषा में उस सीमा को लांघकर हम यहां चले आए। रघुकुल तिलक, कृपा सिंधु रघुवीर, दर्शन की प्यास ने अधीर कर दिया हमें। बानर श्रेष्ठ केसरी, कहाँ है राज्य? कौन सा राजा? प्रकृति के खुले प्रांगण में हम सब समान हैं। हनुमंत, अपने पिताश्री का अभिनंदन करो, तुम्हारे बात्सल्य ने ही इन्हें इतना आतुर बना दिया है। पिताश्री, आंजने, केसरी नंदन, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हों वत्स। श्री राम के कार्य से तो आप भी पधारे हैं पिताश्री, इस समय हमें प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने हैं। महाराज सुग्रीव, अब आगे का कार्य निश्चित करें, किस प्रकार सीता माता की खोज के अभियान का श्री गणेश किया जाए। आज्ञा करें प्रभु। मित्र, कर्ता भी तुम ही हो, कारक भी तुम ही हो। यहां इतने बुद्धिशाली, बलशाली, शौर्यवान एकत्रित हुए हैं, आप सब विचार कर मेरे हित का साधन करेंगे। अंगद, प्रश्रवण गिरी की घाटी में जाकर सभा का आयोजन करो वत्स, इसी क्षण वहीं सब निर्णय ले लिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। वीरवर वानर श्रेष्ठ, दिशा दिशाओं से आए समस्त योद्धा युद्धपति, उपस्थित बलवीर वानर दल, किष्किंधा का सेवक सुग्रीव, प्रश्रवण गिरी के इस प्रांगण में आप सबका अभिनंदन करता है। हम सब यहां किस अभिप्राय से एकत्रित हुए हैं उसका पूरा विवरण किष्किंधा के मंत्रिवर श्री हनुमान, आदरणीय जामवंत, सेनापति नल नील, युवराज अंगद आप सबको दे चुके हैं। आर्य श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से वानर समाज की मित्रता कोई राजनीतिक संबंध नहीं, ये दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का, दो भिन्न भिन्न समाजों का अपूर्व संगम है, जो युग युगांतर तक आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेंगी। हमारी वानर जाति इस भावना भरी मित्रता पर गर्व कर सकती है। सत्यव्रती राघवेंद्र श्री राम ने मित्रता के पुनीत बंधन में बनते ही मित्र धर्म को निभा दिया है, अपना वचन पालन कर दिया है। अब बारी हमारी है। अब हमें नर वानर की इस आदर्श मित्रता की आन रखनी है। श्री राम प्रभु की सहधर्मणी माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी को अवधेश के हवाले करना है। करेंगे, अवश्य करेंगे। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। प्राणपण से इस शुभ संकल्प को पूरा करेंगे। मां सीता को श्री राम से मिलाकर ही शांति से बैठेंगे। मित्र,
मेरे परम स्नेही प्रिय बंधुओं, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण। इस कार्य की सिद्धि आप सबके हाथों में है। आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा हूं। मेरे कार्य का भार आप सबने उठा लिया है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। यदि विदेह कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विदेह कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होंगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आपका अनुमान मात्र नहीं, यह अटल सत्य है। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनके प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विषेप का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। गरदराज जटायु ने तो निश्चित रूप से बता दिया था कि सीता माता का अपहरण करके असुराधिपति लंकेश्वर रावण ले गया है, परंतु ले जाकर कहां रखा है इसका पता हमें लगाना है। इस समय कपिपुंगव, श्रीमान केसरी, बुद्धिमान रक्षराज गजवंत और जामवंत उपस्थित हैं। अनेक युद्धपति भी इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने आ गए हैं। आप सब अपनी राय दें कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों। किष्किंधा नरेश, आप हम वानरों के राजा हैं। जिस प्रकार आप संचालन करेंगे हम समस्त वानर जाति उसका पूर्ण निश्चय के साथ पालन करेंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी ना किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। इस अनुसंधान की अवधि हम 30 दिन रखते हैं। आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाने वाला वानर समूह युद्धपति विनंत के नेतृत्व में गठित होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम चुने हुए वीर वानर दल के साथ पूर्व दिशा में प्रस्थान करो। इस दिशा में भागीरथी गंगा, सरयू कौशिकी, यमुना का कछार, सरस्वती सोन, कालमही, ब्रह्ममाल, विदेह, मालव काशी, कौशल मगध आदि देशों में सीता का अनुसंधान करो। इसके अतिरिक्त यवद्वीप, स्वर्णद्वीप और रुथवक द्वीप में जाकर देखो। बस केवल उदयगिरी तक ही आप वानर दल के साथ पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, माता सीता की खोज में मैं अपने वीर वानर दल के साथ अंतिम छोर तक जाऊंगा। महाबली अचिरष्मान और अचिरमल्य, आप दोनों बंधु मिलकर पश्चिम दिशा में प्रस्थान करने वाले दल का नेतृत्व करेंगे तो निष्कर्ष अवश्य कल्याणकारी होगा।
ये हमारा अहोभाग्य होगा श्रीमंत। वीर वानरों का दल संगठित करके आप दोनों सौराष्ट्र, बहलीक, कुक्ष आदि देशों की ओर बढ़ो। वहां पश्चिम दिशा में प्राय मरुस्थल मिलेंगे। सीता माता की खोज में आप सबको पश्चिम समुद्र तक जाना होगा। सागर तट पर मौरवी पत्तन और जटापुर में देखते हुए सिंधु नदी और समुद्र संगम पर सोमगिरी नामक पर्वत है जिसकी 100 चोटियां हैं। वहां बहुत बारीकी से छानबीन करना। उससे आगे प्राग ज्योतिष नामक नगरी है। दुष्टात्मा नरक नामक दानव रहता है उसमें। वहां की दुर्गम गुफाओं में सीता माता और दुरात्मा रावण की खोज करनी चाहिए। उससे और आगे जाने पर सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। उन पर्वतमालाओं के मध्य में पर्वतों के राजा मेरुगिरी विराजमान हैं। वहां धर्म के ज्ञाता मेरु सावर्णी रहते हैं। उनके चरणों में झुककर मिथिलेश कुमारी सीता का पता पूछना। कपिवरो, पश्चिम दिशा में वहीं तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है, न किसी देश की सीमा है, न उसके आगे भूमि के विषय में मुझे ही जानकारी है। अस्ताचल जाकर रावण के स्थान और माता सीता का पता लगाओ। जो आज्ञा श्रीमंत। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए तो हम अमर हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया हो इसकी कोई संभावना तो नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र श्री राम प्रभु असुरों से पहले ही रहित कर चुके हैं। मायावी असुरों की कपट लीला का कुछ भी पार पाना कठिन है हनुमंत। हमें हर दिशा में सतर्क जागरूक रहना चाहिए। वीरवर शतवली। आज्ञा वानरेश्वर। उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। यह हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कपीश्वर। हम आज ही अपने वीर महारथियों के साथ उत्तर दिशा में कूच करते हैं। हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हाँ, तुम्हें। मेरे धन्य भाग। तुम्हें सहयोग देंगे मेरे व्यक्तिगत विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान। ज्ञानवान बुद्धि निधान ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र जामवंत। अग्निपुत्र नील, नल। आपकी कृपा किष्कंधा नरेश। वीर महारथी मेंद्र, सुहोत्र, गवाक्ष, गंधमादन, अनंग, हुताशन। अपने चुने हुए वीर सेनानियों के साथ आप अंगद के नेतृत्व में आप सब आंध्र, कर्नाटक, पौंड, चोल, पांड्य और केरल प्रदेश में खोज करेंगे। कावेरी नदी के किनारे होते हुए महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। जो आज्ञा काका। हनुमंत, जामवंत, सागर के बीच अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित महेंद्रगिरी के पर्वत से तो तुम परिचित हो ही। हाँ, प्रत्येक पर्व के दिन यहां इंद्र आया करते हैं। हाँ, हमने ऐसा सुना है। उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप है जहां मानव नहीं जा सकता है। वहीं अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता माता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करना। किष्कंधा नरेश, संसार की कोई भी शक्ति अब हमारे पथ की बाधा नहीं बन सकती। हमारा जीवन
मन वचन कर्म से श्री राम प्रभु की सेवा में अर्पण होगा। माता सीता का पता लेकर ही लौटेंगे। वो भी महाराज सुग्रीव के द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि में। समस्त वानर युद्धपति अपना अपना दल संगठित करके सूर्योदय होते ही प्रस्थान करें। पिताश्री, आंजने, वत्स, पितृदेव आशीर्वाद दीजिए, मेरा सारा जीवन प्रभु श्री राम के ही काम आ जाए। तेरा तो जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए हुआ है हनुमंत। वत्स, अंगद के साथ जाने से पहले श्री राम प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाकर इस पुनीत अनुसंधान का श्री गणेश करो। वत्स, जो आ गया। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास आलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल काज सिद्ध होंगे। इतना मान प्रदान न करें मुझे मेरे प्रभु, आप स्वामी हैं, हनुमान चिर सेवक हैं चरणों का। बस इतना वरदान दीजिए कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। चंद्रजीत,
जाओ बजरंगबली, गौरी गणेश महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुपति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्यास बुझत न बुझाए।